तो निकल चुके हैं फिर सुबह, तो आज से देखते हैं क्या बनता है व्लॉग। तो मैंने कल का डाल दिया था, मतलब दो दिन बाद डाला डेली व्लॉग, थोड़ा गैप पड़ गया क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था, ठीक है इन दिनों कुछ ज़्यादा, तो वहाँ वहाँ पर दिखाता हूँ उसके बाद चलो देखते हैं। मेट्रो जा रही है, ठंड लग रही है, तो मैंने इंटरव्यू था भाई, भीड़ बहुत जाती है यहाँ पर, इसलिए तो घंटे ले जाए, ठीक है तो आ गई एक लड़की छतरी, भाई छतरी वीडियो मिल जाएगी आज मेरे घर वाले देखेंगे। तो बस जा रहे हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, तो यहाँ जाएंगे और फिर दिखाते हैं क्या होता है। तो मतलब मैं घर से निकला था ना, तो मैं ढंग से बना नहीं पाया था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह सुबह, मैं बता ही नहीं सकता, मतलब छाती फट गई थी इतनी ठंड। तो अभी मैं मुनीर का हूँ, वेट कर रहा हूँ मेट्रो का, मतलब जनकपुर से मुनीर का आ गया भाई। एक तो भीड़ इतनी वहाँ पर, मतलब फोन निकालने तक की जगह नहीं, इतनी भीड़ रखी थी सुबह, तो फिर वहाँ जाएंगे और फिर दिखाते हैं आपको नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम कैसे क्या है, ठीक है। मतलब क्या कोई बात होती है, खुद आता है हाथ डाल के खड़ी होगी, मेरे को भी हाथ डाल के खड़ा होगा, होता ठंड लग रही है, इनने मेरे को बैठ दे दिया, पुरानी सामान लड़कियों का होता ही है छपरी गई बोल छपरी अच्छा बन कर रहा है। अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसमें मैंने क्या दिया है, भाई वहाँ से ऑटो भी लेनी पड़ेगी, नींद आ रही पता सुबह सुबह उठाते हैं जैसे भाई, जब आप पहुँचते हैं अलग स्टेशन आएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर पता आर्ट एंड क्राफ्ट मीडियम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो, है ठीक है और कुछ नहीं, इसको देखो क्या करते हैं दीदी कुछ बोलो कुछ अपने बारे में बताओ, सुप्रीम और प्रगति मैदान के दौरान भाई बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, इतनी ठंड पूछ मत भाई। अब यहाँ से जाएंगे हम अपन क्राफ्ट म्यूजियम, पहले उससे पहले कुछ खाएंगे उसके बाद चलो दिखाते हैं थोड़ा पहले। तो बस हम पहले थोड़ा ना छोले भटूरे खाने बैठ गए अभी यहाँ पर, तो खाना पीना खाएंगे उसके बाद हम जाएंगे छपरी, तो पहले छोले भटूरे खा लें, एक प्लेट छोले भटूरे खा लें, वो भाई साहब छोले भटूरे अपने बड़े बड़े आ गए खाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं छोले भटूरे खाते कितने बड़े बड़े। हमारे छोले भटूरे आ गए, उसके बाद जाएंगे वहाँ पर प्रगति आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम, फिर वहाँ से हांडेंगे घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे खा लेते हैं, खा ले छपरी खा ले, बुक्कड़ खा रही है पहले बुक्कड़। तो हम बस अभी यहाँ पर गैलरी में आ गए, ठीक है तो हम एंट्री लेंगे, तो वहाँ पर दिखाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजियम पूरा का पूरा शो दिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मॉडर्न इमेजेस पर का तले करके मुझे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये है मॉडर्न इमेज फॉर कैथलिक करेक्टर्स, सो देख ही रहे हो किनहाल डॉल्स, ठीक है किनहाल डॉल्स है, ठीक है और ठीक है साक्षी तेरा बचपन इसका बचपन ये वाला है बीच वाला, ये कौन है पपेट्स, ओ दैट्स मी, सो दैट्स पपेट्स, ठीक है जो कि हमारा मतलब पपेट को हिंदी में क्या बोलते हैं कठपुतली, ठीक है जो ऊपर से हाँ धागे धूगे चलते हैं, ठीक है ये वो है, ठीक है।
और ये है कॉर्डिंग एंड क्लिफ फिगर, मतलब गोबर से बनी हुई थी, ठीक है, पूरा का पूरा है। ये देख पंखा है हाथ वाला, और ये पेपर मैक मतलब कागज की लकड़ी से बनी हुई है, मतलब जैसे कागज को गीला कर करके नहीं बनाते वैसा है मेरे ख्याल से। और ये छपरी फिर ये आगे मास्क, ये पुराने जमाने का मास्क है क्या? देख तो एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आग है, देख लो कितना बड़ा है, देख लो कितना मतलब क्राफ्ट में मजा ही आ रहा है। तुम देख रहे हो ये मूर्ति, ये बनी हुई है, इसे टच नहीं कर सकते, लिखा हुआ डोंट टच। तो ये क्या है, ये क्या धोखा मेल फीमेल फिगर, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा होगा मेटल क्राफ्ट, ये मेटल क्राफ्ट है, हुक्का 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 है। और एक काली की है मूर्ति है कर्नाटक, तुम्हें पता ही होगा। और ये गांव टाइप है अपना छोटा सा, देख लो। और ये और अंडर साइड एंट्री है जी, बट थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ, देख लो दोस्तों कैसा है। तो तेलंगाना का है मतलब सब टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, टेक्सटाइल म्यूजियम नहीं होगा, ठीक है, टेक्सटाइल गैलरी सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो ये देखो यहाँ पर देखो जो बारीकी से लिखा हुआ गया है ना, ये कि इवन कन्नड़ में है तो ये संस्कृत ही, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं है कौन सा भाषा, पर मुझे थोड़ी बहुत संस्कृत लग रही है, और मुझे पता नहीं है यहाँ पर बीच मेरे को लगा पंजाबी, पता नहीं मुझे कौन सा लैंग्वेज लग रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज बिल्कुल पता नहीं लग रहा, पर रिलीजियस पे होता है इतना होता है, ठीक है। ये गुजरात का है, ठीक है, वेविंग ये भी कपड़ा अपना, मतलब ये स्कर्ट है, साड़ी नहीं है, मतलब उस साड़ी होती है जो कि स्टिच नहीं होती है, ठीक है, कभी साड़ी स्टिच कपड़े नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी साड़ी है, चंदेरी साड़ी है, पता नहीं कहाँ की होती है, लड़कियों का स्टफ मुझे नहीं पता, इतना पता है कि अगर स्टिच कपड़े नहीं होते धोती और जैसे साड़ी स्टिच कपड़े नहीं होते क्योंकि इन पर सिलाई नहीं लगी होती है, इतना मुझे पता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये भी साड़ी जैसे लग रहा है, साड़ी है कर्नाटक की साड़ी है, एंड दिस इज अ मुस्लिम स्टफ, ठीक है। क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, पहली शब्द है रोमन, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कपड़ों को, आज का ट्रेंड कपड़ा है। एंड ये भी साड़ी है जो कि पता ही, ठीक है। हाँ भाई डर जाएगा इसको देख के, एकदम भूतिया लग रहा है, इतना कि पूछे मैं इससे भी ज़्यादा भूतिया। तो ये देख रहे कैसा सा हो रहा है, आ जाना यहाँ पर, बंद कर दिया है पर जाते तो मज़ा आता देख के एकदम, नहीं लॉक सा लगा रखा उन्होंने, ठीक है। तो बैलगाड़ी अपनी जिस पेज की जाती है, एक बैलगाड़ी इतना बड़ा टिनका मटका मटका टमका नहीं बोलते इसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी वैसे मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दिखाता हूँ क्या हो सकता है थोड़ा, ठीक है, ब्लॉग तो अच्छी बन जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मेरी बैटरी फ़ोन की है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं सोचा बंद करूँगा, मैंने तो और दिखा हुआ था बैटरी होती तो, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तुम एक बार विजिट कर लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट विजय, ठीक है, मतलब अपने देश के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, ना हो सके इतना कवर करने का ट्राई करा है, ठीक है। यार तेरे फोन का कैमरा तो बड़ा अच्छा है, जितना हो सके कवर करने का उतना ट्राई करा,
ठीक है। हाँ हाँ देख लेते हैं। तो और जितना हो सके मैंने बहुत सारा ट्रैक कवर करने है जितना हो सके, और यहाँ पर जो है अभी आगे थोड़ा बहुत दिखाए थे, अगर लगा तो कुछ और जगह जाएंगे घूमने। वैसे आज का व्लॉग तो यहीं पर मेरे ख्याल से इतना ही बनेगा इस म्यूज़ियम के ऊपर, लेकिन हमारा और तो कुछ नहीं। ठीक है चलो और देखते हैं मिलता है कुत्ते। ठीक है टोन गुजरात के। ठीक है कॉट का है, कॉट कुआं है पागल है क्या, इसमें खाने वाने बनते होंगे उनके। तो बस अब हम जा रहे हैं, ठीक है वहाँ से निकल के, तो अब मेट्रो में जा रहे हैं हम। मेट्रो स्टेशन आगे और अभी हम पुल पे हैं, ब्रिज पे हैं। ठीक है ठीक है, तो वहाँ जा रहे हैं। और छप्पी हेलो बाय। तो ये वही है जो डॉगी की आवाज़ निकाल रही थी, इवन डॉग वाला वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है तो अभी चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं, अगर कहीं और जाना है तो दिखाई देंगे। चलो फिर दिखाएंगे।